biryani, to all the love, she's a daughter. Thank you. Mike, please. बहुत छोटा स्टूडियो बोलिए आवाज आ रही है अजय वी वोक अप टू अ वेरी वंडरफुल सरप्राइज लास्ट मॉर्निंग पिक्चर ऑफ यू एंड शाहरुख सो कैन यू टेल अस अ बिट मोर अबाउट इट किसने प्लान किया था वो आपने सर्व दृश्यम के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने आपको इनवाइट किया था अरे आपके सवाल क्या है बिल्कुल नहीं आया बिकॉज बीच में सब बोल रहे थे तो आपका आधा सवाल तस्वीर के बारे में आया था और आपने ये पूछा कि किसने प्लान किया था तो ऐसी चीज़ें प्लान नहीं की जाती जब आप एक जगह होते हैं तो मिलते हैं और बातें करते हैं और साथ बैठते हैं वही हुआ पता नहीं किसने खींच के वो तस्वीर बहुत लोगों ने खींची थी वहाँ तस्वीरें तो किसने कहाँ से डाल दी वो हमें नहीं पता Ajay is not working in this film right now, so we're discussing about Drishyam. Ajay ji, आपने अभी अपने रोल के बारे में बताया कि आपका किरदार जो है वो अपने दिमाग से लड़ता है। तो आपको और अच्छे खन्ना के साथ एक पहले देख चुके हैं जिसमें आप अपने दिमाग से लड़ते हैं। क्या उसी तरह के ये भी फिल्म? कौन सी फिल्म है? दीवानगी। दीवानगी में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थे और लोगों को पता नहीं चलता था आदमी क्या कर रहा है और क्या हो जाता है इसमें भी ऐसे ही सिचुएशन है काफ़ी बट उसमें कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव तरफ जाता है इसमें ही इज पॉजिटिव ही इज तो ये डिफरेंस है मुझे लगता है हाय माय क्वेश्चन इज टू इशिता दत्ता ओवर योर टू वॉच योर लेफ्ट हाय हाउ डिड योर सिस्टर हेल्प यू इन टू मच फीडबैक फ्रॉम हर बिकॉज शी वाज नॉट इन इंडिया बट शी इज ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्ट वेरी हेल्पफुल एंड या आई थिंक सिस्टर हैज ऑलवेज हेल्प I was very nervous. I'm still very nervous. So I had a great time and I would like to thank everybody, the whole team. It was a fabulous experience and I hope you all like my work. And that's it, I don't know what to say. My second question is to Mr. Ajit Andhare. So what kind of release are you planning for the film considering the fact that it is a content driven film and so I think you know it's first of all it's a big film you know so that defines certain parameters it will be pretty wide that's one aspect of it the other aspect of it is the way the whole campaign is sort of you know panning out so It's a thriller, so we don't want to reveal too much. You know, we want people to experience the film. But at the same time, I think the campaign should be able to convey ki what is the pull of the story. It must be able to generate an intrigue. A curiosity honi chahiye. You should be wanting to really dying to see the film. I think if we are able to do that, I think we'll be successful. And as I said earlier also, you know, this is Ajay in a very different role. This is Ajay, who's not been seen like this in a while, and I'm sure you know everybody is going to absolutely enjoy it because I think acting, cinema, any creative field is about doing something different, exploring new dimensions, and that's what this film does, you know, and that is what is reflected in the marketing as well. Vishal ji, dum ghutta hai kya? Pehle aapne music banaya tha ya Gulzar sahab ne uske lyrics likhe the? इतने प्रोसेस से निकले कि अब याद नहीं कि क्या हुआ था क्योंकि पहले उन्होंने एक लाइन दी थी जो मैंने बनाई फिर वो लाइन चेंज हो गई तो फाइनली दम घुटता है बट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थैंक यू सो मच यू गेटिंग इट इन दिस इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था जैसे कि दीवानगी हो गई जख्म हो गई कंपनी हो गई तो लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं करते ऐसी फिल्में मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि डर लगता है कि ऐसी फिल्म या तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होनी चाहिए या फिर ये ऐसी पिक्चर बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं
तो बहुत टाइम के बाद मुझे एक कहानी सुनाई जब गई डिटेल में दृश्यम. मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक ओरिजिनल. आई गॉट एक्साइटेड. वरना कई कहानियाँ आप सुनते हो और आपको लगता है कि ये अच्छी है, लेकिन कल तक मैं सोचता हूँ. ये ऐसी स्क्रिप्ट थी कि मैंने सुनते ही बोल दिया ओके. कई फिल्में जो होती हैं वो बॉक्स ऑफिस के परे होती हैं, मतलब कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी हो ये फिल्म लोगों को पसंद ज़रूर आएगी. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स. तो जो आपने कहा वो जब तक मुझे सही सब्जेक्ट नहीं मिला मैंने नहीं किया, मिला तो कर दिया. When I'm acting, I'm just working as an actor. My director is at home in a locker. And working with Ajay Devgan? Unfortunately, we didn't have very much to do. Mostly, I was watching, he was acting. But the experience, like everybody has told you again and again, it's been wonderful. Tabu, आपने पहले भी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, तो आईजी मीरा प्ले करने में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? कोई पुलिस ऑफिसर से इंस्पायर्ड रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली फिल्म में इस कैरेक्टर के साथ इतना हो रहा है और उसका खुद का पर्सनल कैरेक्टर इतना वेल डिफाइंड है फिल्म में कि वही मेरी इंस्पिरेशन थी. और टफ पार्ट ये था कि उसे बहुत ही हार्टलेस होना था और सबको मार पड़वानी थी फिल्म में, अजय को, श्रेया को, छोटे बच्चों को. तो वो मुझसे बहुत मतलब वो तकलीफ होती है देखने में, बट करने में मुझे कोई इतनी खास तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मतलब ऑफकोर्स जब आप कैरेक्टर में होते हो तो आप यू कांट अफोर्ड टू यू नो अलाउ योर इमोशंस टू रूल व्हाट यू आर डूइंग और कम इन द वे.